गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फाइका डिफेंस एकेडमी। और स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं शॉर्टकट मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एन नंबर। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इससे पहले कि हम शॉर्टकट मेथड सीखें। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 6 और आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो आपने 6 को ब्रैकेट के अंदर रखना होगा और उसके ऊपर लिख देना होगा पावर 2। अब 6 को आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर 2 है इसलिए दो बार मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो आपका स्क्वायर कहलाएगा 6 का। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 36 जो आया है हमारे पास वो स्क्वायर है। 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। उसी तरह मान लीजिए कि अगर मेरे को 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले 36 को हमें स्क्वायर रूट के साइन के अंदर रखना होगा। इस साइन को हम स्क्वायर रूट का साइन कहते हैं। अब इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करके 36 आए। तो आपने अभी देखा कि 6 को दो बार मल्टीप्लाई करके 36 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आ गया? 6। यानी 6 वो नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से 36 आता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो यही डिफरेंस है स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, कि अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आपके पास आएगा वो स्क्वायर कहलाएगा। और अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उस नंबर को आप स्क्वायर रूट के साइन के अंदर रखें, और एक ऐसा नंबर सोचें जिसको दो बार मल्टीप्लाई करके वो नंबर आए। तो यहाँ पे जैसे मैंने अंडर रूट 36 लिखा, तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करके 36 आता है, तो वो नंबर है 6। तो 6 को दो बार मल्टीप्लाई करके 36 आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, कि हमारे पास ऐसे कितने मेथड्स हैं जिससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर मेरे को किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, मान लीजिए कोई एक नंबर है 25, तो मैंने कहा कैसा कौन सा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से 25 आए, तो मेरे को याद था तो मैंने कह दिया 5। छोटे नंबर है इसलिए मेरे को याद था, पर अगर कोई बड़ा नंबर मेरे पास आ जाए, मान लीजिए 1024 आ गया, और इसका मुझे स्क्वायर रूट मान लीजिए याद नहीं है, तो मैं स्क्वायर रूट कैसे पता करूंगा? तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए उस मेथड को हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन मेथड्स हैं स्क्वायर रूट निकालने के। सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। और थर्ड मेथड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। और जो थर्ड मेथड है वो है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन तीनों मेथड में दो मेथड हम पहले ही कर चुके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। आज जो हम मेथड सीखने वाले हैं वो मेथड है शॉर्टकट मेथड। तो चलिए शॉर्टकट मेथड को समझने की आज कोशिश करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्टकट मेथड। तो अभी हम शॉर्टकट मेथड को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान से समझिए कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर मान लीजिए, बड़े से बड़े नंबर को भी आप अगर सोचें, तो मान लीजिए मैंने 1024 नंबर सोचा, ये 4 डिजिट का नंबर है। तो स्टूडेंट अगर आप इस नंबर के डिजिट्स को देखें तो 1 है पहला, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है। तो सारे के सारे नंबर 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर है उनसे ही बने हैं। वैसे ही अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ 2, 5, 8, 6, 8, 7, 4,
तो इस नंबर के भी सभी डिजिट्स को अगर आप देखें 2, 5, 8, 6 ये सभी 0 से 9 तक के जो नंबर है उनसे ही बने। तो इसलिए स्टूडेंट्स स्क्वेयर रूट निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर के स्क्वेयर एटलीस्ट याद हो। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वेयर्स याद हैं तो आप इजीली स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। वैसे तो मैंने स्क्वेयर 1 से लेकर 30 तक के नंबर याद रखने को कहा है, तो 1 से 30 तक के नंबर के अगर स्क्वेयर्स याद हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, बट 1 से 9 तक के स्क्वेयर रूट को एटलीस्ट याद होने चाहिए और स्क्वेयर्स भी। तो पहले हम एक चीज यहाँ पे देखें, अगर तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके स्क्वेयर्स करके लास्ट डिजिट स्क्वेयर का 1 आता है। फिर से पूछता हूँ कि आप मुझे ऐसे नंबर बताइए जिनके स्क्वेयर करने पर जो नंबर आता है उसका लास्ट डिजिट 1 है। तो आपने यहाँ पे देखा कि सर 1 का स्क्वेयर 1 है, 9 का स्क्वेयर 81 है और 81 का लास्ट डिजिट 1 है। तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना होगा कि अगर कोई भी नंबर जिसका आप स्क्वेयर फाइंड आउट कर रहे हो उसका लास्ट डिजिट अगर 1 है तो उसका जो स्क्वेयर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9, क्योंकि यही दो ऐसे नंबर हैं जिनके स्क्वेयर करने पर जो नंबर आता है उसका स्क्वेयर का लास्ट डिजिट 1 होता है। कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 121 है इसका लास्ट डिजिट 1 है, 441 है इसका लास्ट डिजिट 1 है, 841 इसका लास्ट डिजिट 1 है। तो इस तरह का कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 है अगर आप उसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो उसके स्क्वेयर रूट का लास्ट डिजिट 1 या तो 9 होगा। तो चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वेयर करने पर स्क्वेयर का लास्ट डिजिट 4 आता है। तो देखो 2 का स्क्वेयर 4 है और 8 का स्क्वेयर 64 है, दोनों में स्क्वेयर का जो लास्ट डिजिट है वो 4 है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि अगर कोई भी नंबर जिसका आप स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर रहे हो उसका लास्ट डिजिट अगर 4 है तो जो उनका स्क्वेयर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 8। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी नंबर सोचते हैं, मान लीजिए 144 है या आपके पास 324 है या आपके पास 484 है, तो ये वो नंबर्स हैं जिनके लास्ट डिजिट क्या है, 4। तो इस तरह का कोई भी नंबर अगर आपको मिले जिनका आप स्क्वेयर रूट निकालते हो तो उनके स्क्वेयर रूट का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 या तो 8। उसी तरह 6, अब मुझे आप बताइए ऐसे कौन से नंबर है जिनके स्क्वेयर रूट का लास्ट डिजिट 6 है। तो आपने कहा सर 4 का स्क्वेयर 16 होता है तो इसका लास्ट डिजिट 6 है, 6 का स्क्वेयर 36 होता है इसका लास्ट डिजिट भी 6 है। तो आप याद रखिएगा अगर कोई नंबर जिसका आप स्क्वेयर रूट निकाल रहे हो उसका लास्ट डिजिट अगर 6 है तो उसका स्क्वेयर रूट का जो लास्ट डिजिट आएगा वो या तो 4 आएगा या तो 6। नंबर हम एक बार एग्जांपल्स के तौर पर देख लेते हैं। अब देखिए 256 इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6, तो इसका जो स्क्वेयर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 6 होगा या तो 4। उसी तरह 196 हो गया, 676 हो गया, ये ऐसे नंबर है जिनके लास्ट डिजिट क्या है, 6। तो यानी इनके जो स्क्वेयर रूट आएंगे उनके लास्ट डिजिट भी क्या होंगे, 4 या तो 6। उसी तरह आप मुझे ये बताइए ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके स्क्वेयर का लास्ट डिजिट 9 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वेयर 9 है और 7 का स्क्वेयर 49 है, 49 यानी लास्ट डिजिट 9 है। तो यानी अगर कोई नंबर जिसका आप स्क्वेयर रूट निकाल रहे हो उसका लास्ट डिजिट अगर 9 है तो उनका जो स्क्वेयर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है या तो उसका लास्ट डिजिट 7 आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम नंबर देखते हैं, जैसे कि 49 हो गया नंबर, या आप नंबर देख लीजिए 169, या आप देख लीजिए 789 एक्सेट्रा। ये नंबर वैसे हैं जिनके लास्ट डिजिट क्या है, 9। तो इस तरह का कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 9 है और आप उसका स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करने हो तो याद रखिएगा उनका जो लास्ट डिजिट आएगा वो या तो 3 होगा या तो 7। अब लास्ट में आता है 5। 5 का स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो उनका स्क्वेयर रूट निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो आप याद रखिएगा अगर कोई भी नंबर जिसका आप स्क्वेयर रूट निकाल रहे हो उसका लास्ट डिजिट अगर 5 है तो देखिए यहाँ पे कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, सिर्फ 5 ही अकेला एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट क्या है, स्क्वेयर का 5।
क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो लास्ट डिजिट 25 का 5 है, और कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 5 हो। तो इसलिए आप याद रखिएगा, कोई भी नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 5 है तो जो उसका स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट भी क्या होगा, 5। एग्जाम्पल के तौर पर 625 देखिए, ये नंबर है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट भी क्या आएगा, 5। क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट आपको शायद याद होगा 25 होता है, तो 25 का लास्ट डिजिट क्या है, 5। तो इसलिए कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो याद रखिएगा जो उसका स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 5। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्वायर रूट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी ट्रिक के बेस पर है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखें। तो चलिए आगे के क्वेश्चन जो हम करेंगे उससे आपको शॉर्टकट मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो स्टूडेंट, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 484। अभी हमें 484 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, आप इसके स्टेप्स को अच्छे से देखें, क्योंकि यही स्टेप्स आने वाले हर क्वेश्चन में फॉलो होंगे, तो आप इसको प्लीज ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमारा क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि आपने 484 को स्क्वायर रूट के साइन के अंदर रखना। इसका मतलब है कि हमें 484 का स्क्वायर रूट निकालना। दूसरा काम स्टूडेंट्स आपका ये होगा कि आपने राइट साइड से इनकी पेयरिंग बनानी है, दो दो 84 की एक पेयरिंग बन गई और यहाँ पे 4 अकेला है, 4 की पेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि 4 के साथ कोई और नंबर नहीं था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे फर्स्ट पेयर को, जो आपका पहला पेयर है, उस फर्स्ट पेयर को मैं हमेशा वंस प्लेस कहूंगा। क्या कहूंगा, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस। और जो आपका नेक्स्ट पेयर होगा जो कि यहाँ पे 4 है, उसको मैं टेंस प्लेस कहूंगा, उसको मैं क्या कहूंगा, टेंस प्लेस। इसलिए आप आगे से अगर मैं टेंस प्लेस कहूँ तो आपने पहले पेयर को छोड़कर जो सेकेंड पेयर होगा उसको टेंस प्लेस मानना है, तो प्लीज उसमें उलझिएगा नहीं, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब स्टूडेंट्स, जो आपका दूसरा काम है, आपने यहाँ पे ये देखना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका लास्ट डिजिट है 4। तो आपको मैंने पहले ही बताया है, कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट अगर 4 है तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 2 होगा या तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 8। ओके, अब आपका तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने इस नंबर के टेंस प्लेस को देखना है, और इस नंबर के अगर आप टेंस प्लेस को देखें तो वो क्या है, 4 है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या करना है, एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करके 4 आए या उससे थोड़ा कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो मैं सीधे यहां पे इस नंबर के सामने क्या लिखूंगा, 2 2। अब स्टूडेंट्स, यहां पे चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे देखिए, आपके पास दो नंबर बने, एक नंबर बन गया 22, दूसरा नंबर बन गया 28। इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा स्क्वायर रूट 484 का? तो यहाँ पे ये जानने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, तो उसको ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। जो इस नंबर का जो टेंस प्लेस है, यहाँ पे नंबर के टेंस प्लेस क्या आए हैं, 2, यहाँ पे भी 2। इस 2 को आपने इसके सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इसके नेक्स्ट नंबर के साथ। जब मैंने इसके नेक्स्ट नंबर, जो कि 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3, तो 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नंबर आया 6। तो स्टूडेंट्स, याद रखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास नंबर आए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास नंबर आए, उस नंबर को आपने कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है? इस नंबर के टेंस प्लेस के साथ। तो टेंस प्लेस यहाँ पे क्या है, 4। तो आप देखोगे कि जो 6 है जो मल्टीप्लाई करके आया है वो नंबर के टेंस प्लेस से बड़ा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान से सुने, अगर मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर टेंस प्लेस वाले नंबर से बड़ा आ रहा है तो आपने 22 और 28 में से वो वाला नंबर उठाना है जिसका यूनिट प्लेस छोटा हो। अगर बड़ा आ रहा है तो वो नंबर उठाना है जिसका यूनिट प्लेस छोटा हो। फिर से बताता हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर टेंस प्लेस से बड़ा आ रहा है, तो आपने वो नंबर उठाना है जिसका यूनिट प्लेस
छोटा ग्रह। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस है 2, यहाँ पे है 8, 2 और 8 में छोटा कौन है 22, तो 484 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 22। बस इस चीज को आपने याद रखना है कि जब आपके पास दो नंबर आ गए तो आपने इस नंबर का जो टेंथ प्लेस आया है उसको उसके सक्सेसर यानी उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसको कंपेयर करें टेंथ प्लेस के साथ। अगर बड़ा आ रहा है तो छोटा यूनिट डिजिट वाला नंबर उठाएं, अगर छोटा है मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर तो बड़ा यूनिट डिजिट वाला नंबर उठाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके और जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 961। अभी हमें 961 का स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स वही सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा कि 961 को हमने स्क्वेयर रूट के अंदर लिखना है। स्क्वेयर रूट के अंदर लिखने के बाद इसके पेयरिंग बनानी है। 61 की पहली पेयरिंग बन गई, 9 के साथ पेयरिंग बनाने के लिए कोई नहीं है, 9 अकेला है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस है 61 और 9 यहाँ पे है टेंथ प्लेस में। अब स्टूडेंट्स हमने देखा इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट है 1। तो जो इनका स्क्वेयर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है 9। ओके, दूसरा काम अभी हमारे पास क्या है, इसके टेंथ प्लेस को देखना है नंबर के। नंबर का टेंथ प्लेस है 9। तो आप मुझे एक ऐसा नंबर बताएं जिनको दो बार मल्टीप्लाई करके 9 आता हो या उससे थोड़ा कम। तो हमारे पास एक नंबर है ऑलरेडी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो नंबर बन गए, एक बन गया 31, दूसरा नंबर बन गया 39। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर है जो टेंथ प्लेस वाला नंबर है इसको इसी के सक्सेसर यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अगले नंबर के साथ। तो नंबर आया 12। अब इस 12 को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे इस नंबर को, हम कंपेयर करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर को स्क्वेयर रूट निकाल रहे नंबर के टेंथ प्लेस के साथ। तो अगर मैं इसके टेंथ प्लेस को देखूं तो 9 है और जो हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर आया वो 9 से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो कौन सा नंबर लेना है, छोटा यूनिट डिजिट वाला नंबर। तो यहाँ पे 1 और 9 में छोटा कौन है 1, तो 961 का अगर स्क्वेयर रूट कितना आ गया मेरे पास 31। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 2209। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वेयर रूट निकालने का क्वेश्चन आया है वो 4 डिजिट का नंबर आया है कि आपने 2209 का स्क्वेयर रूट निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम स्टेप फॉलो करना है, डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपने 2209 को स्क्वेयर रूट के साइन के अंदर रखना है, 2209। सबसे पहला काम पेयरिंग का है तो हम इनकी पेयरिंग कर देते हैं। अगर पेयरिंग करें तो 09 की एक पेयर बन गई और 22 का हमारे पास एक पेयर बन गया। पेयरिंग बनने के बाद हमारा जो तीसरा काम है हमें देखना है इसका लास्ट डिजिट क्या है। 9 है लास्ट डिजिट, तो यानी जो इसका स्क्वेयर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 7, जो कि हमने पहले पढ़ा है। अब फिर हमने इसका टेंथ प्लेस देखना है। टेंथ प्लेस यहाँ पे कितना है 22। तो आप मुझे एक नंबर बताइए जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से 22 आता हो या उससे थोड़ा कम। तो हमने देखा कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। 25 तो 22 से बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे 5 नहीं रख सकता। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो ये 22 से थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ। अब स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे फिर से दो नंबर बन गए। दिक्कत की बात वही है कि इन दोनों में से भी कौन सा नंबर होगा इसका स्क्वायर रूट। तो मैं क्या करूंगा, ये जो टेंथ प्लेस आया मेरे पास 4, इसको इसके सक्सेसर यानी उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 20। अभी जो मल्टीप्लाई करके मेरे पास नंबर आया है इस नंबर को मैंने कंपेयर करना है किसके साथ, टेंथ प्लेस के साथ। तो 20 जो है मेरे पास जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया है, हमें से याद रखना है कि मल्टीप्लाई वाले नंबर को पहले लिखो, इसको कंपेयर करें 22 के साथ। तो मैंने देखा कि 20 जो है वो 22 से छोटा है। अब देखो छोटा आया तो कौन सा नंबर उठाना है दोनों में से, वो नंबर जिसका बड़ा यूनिट डिजिट हो। बड़ा यूनिट डिजिट किसका है, 3 और 7 है यूनिट डिजिट में, तो 7 बड़ा है यानी 47। 2209 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 47। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2209 इज 47। तो इस तरह आप 4 डिजिट के नंबर का भी स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो ये भी 4 डिजिट का नंबर ही है और यहाँ पे हमें 7569 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्टूडेंट सबसे पहला काम वही सेम स्टेप हमने फॉलो करना है, 7569 को हमने स्क्वायर रूट के साइन के अंदर रखना है। फिर दूसरा काम हमारे पास क्या है, हमें पेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे 69 की एक पेयर बन गया और 75 का एक पेयर बन चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको भी ये देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है। यहाँ पे लास्ट डिजिट है 9, तो यानी जो इसके स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 7। ओके, ये दो ही नंबर हो सकते हैं हमारे पास जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ था। अब स्टूडेंट्स अगर इनके टेंस प्लेस को देखें तो यहाँ पे है 75। तो अभी आपको सोचना है कैसा नंबर जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से 75 आए या उससे कम आए। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 बड़ा है 75 से, इसलिए मैं यहाँ पे 9 नहीं लिख सकता। तो उससे जस्ट छोटा वाला यानी 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना होगा 8। अब स्टूडेंट दो नंबर बन चुके हैं 83, 87, इन दोनों में से कौन सा नंबर 7569 का स्क्वायर रूट होगा, इसको जानने के लिए हमने ये जो नंबर आया इसका टेंथ प्लेस है 8, तो 8 को उसी के सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई किया यानी उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और मेरे पास आया 72। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया मेरे पास 72, इसको अब मैं कंपेयर करूंगा जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूँ उस नंबर के टेंथ प्लेस के साथ। तो यहाँ पे टेंथ प्लेस है 75, कंपेयर करने पर मैंने पाया कि 72 जो है ये छोटा है 75 से। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले कहा है कि अगर मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर छोटा आया तो हमें 83 और 87 में से वो वाला नंबर उठाना है जिसका यूनिट प्लेस बड़ा हो, छोटा आया तो वो वाला नंबर उठाना है जिसका यूनिट प्लेस बड़ा हो। तो यहाँ पे 3 यूनिट प्लेस में है और 1 के यूनिट प्लेस में 7 है, बड़ा कौन है 7, इसलिए स्टूडेंट 7569 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 87। तो हो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रूट ऑफ 5625। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 5625 का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो है 5। तो पहले हम 5625 को स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिख देते हैं, उनकी पेयरिंग कर देते हैं। अब पेयरिंग करने के बाद हमने देखा अरे इसका लास्ट डिजिट तो 5 है, 5 अगर लास्ट डिजिट है तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका सिर्फ लास्ट डिजिट 5 ही हो सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोई नंबर 5 पे एंड हो रहा हो तो उसका स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट होगा वो भी क्या होगा 5। अब यहाँ पे है 56, अब मुझे एक नंबर बताइए जिसको दो बार मल्टीप्लाई करके 56 या उसे छोटा बने। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, बड़ा है 56 से, 7 का स्क्वायर 49, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा 7, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 75। तो इसलिए जो 5 पे खत्म होने वाले नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि उनके सिर्फ एक ही नंबर बनते हैं तो हमें सिलेक्ट नहीं करना होता, फाइंड आउट नहीं करना होता कि कौन सा नंबर इसका स्क्वायर रूट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 5 डिजिट का नंबर। 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। आमतौर पर 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को बहुत कम आता है बट आ सकता है, इसलिए 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट भी हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि 14641 को स्क्वायर रूट के साइन के अंदर रखेंगे, उसके बाद आपने इनकी पेयरिंग करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि आपने सिर्फ एक ही पेयरिंग बनानी है, बाकी जो नंबर आपके पास रह जाएंगे उनकी पेयरिंग नहीं बनानी, उन पूरे नंबर को हम टेंस प्लेस गिनेंगे। याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपने 5 डिजिट नंबर में सिर्फ एक ही पेयरिंग बनानी है और बाकी नंबर को हम टेंस डिजिट यानी टेंस प्लेस के तौर पर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें अगर इसका लास्ट प्लेस क्या है 1 है, अगर लास्ट प्लेस 1 है तो आपको पता है कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट नंबर या तो 1 होगा या तो 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि 146 है, तो आप मुझे एक ऐसा नंबर बताएं जिनको दो बार मल्टीप्लाई करने से 146 आए या उसे थोड़ा कम आए। तो आपने जब देखा तो मैंने देखा कि
11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169. तो मेरे को यहाँ पे क्या रखना होगा, 12, क्योंकि 13 का 169 होता है और वह बड़ा हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे अगर 5-डिजिट नंबर आ जाता है और आपको उसका स्क्वेयर रूट निकालना होता है, तो आपको नंबर, तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास 5-डिजिट का नंबर आ जाता है और आपको उसका स्क्वेयर रूट निकालना होता है, तो उस केस में आपके पास 14, 13, 16 जैसे नंबर का भी स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स जब 5-डिजिट का नंबर आ जाता है आपके पास, उस केस में आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वेयर याद होने चाहिए, क्योंकि 5-डिजिट नंबर या उससे बड़े नंबर अगर आते हैं तो उस केस में आपको बड़े से बड़े नंबर का स्क्वेयर याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. इसलिए 1 से लेकर 30 तक के नंबर के स्क्वेयर से आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए. अगर 1 से लेकर 30 तक के नंबर के स्क्वेयर आपको याद हैं, तो आपसे सारे क्वेश्चंस के स्क्वेयर रूट निकाल लोगे. तो देखिए, तो यहाँ पे 12 आ गया 10th प्लेस में. तो हमारा अगला स्टेप हमें क्या कहता है कि आपको 121 और 129 में से कौन सा नंबर स्क्वेयर रूट होगा ये पता करना है. इसके लिए 12 को उसके अगले नंबर के से मल्टीप्लाई कर दो. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, 13 लिखते हैं, 326, 313 करते हैं, फिर 122, फिर 11, फिर प्लस करते हैं. आप प्रैक्टिस कीजिए कि बड़े नंबर को सीधे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं. तो 13 × 2, 26, 2 गया ऊपर, 13 + 1, 13 + 2, तो कितना आ गया, 156. या इसका और एक तरीका भी है, आप 12 और 13 में जो सबसे छोटा है उसका स्क्वेयर करें और फिर उसी से ही आप प्लस करते हैं. तो 12 का स्क्वेयर 144 प्लस 12 कितना आया, 156. तो देखो 156 आया स्टूडेंट्स यहाँ पे. तो ये जो 156 है, आपको अब इसको कंपेयर करना है किससे, 10th प्लेस से. तो ये बड़ा आ रहा है 146 से. तो अगर बड़ा आ रहा है तो 121 और 129 में आपने वो वाला नंबर लेना है जिसका यूनिट प्लेस छोटा. तो यहाँ पे यूनिट प्लेस छोटा किसका है, 121 का. तो इस तरह से आपके पास आंसर आ गया 14641 का, जो स्क्वेयर रूट है वो है 121. तो स्टूडेंट इस तरह से आप 5-डिजिट वाले नंबर का भी स्क्वेयर रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था. तो इसलिए प्लीज अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.